देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, ऑनलाइन हिंदी न्यूज राष्ट्र की आवाज से। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय के महसोना पंचायत में। महसोना पंचायत में हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो इसे ये कहा जाए कि भाई कौवे के बीच में हंस की खोजाहट कर लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आज से तकरीबन साल भर पहले समाज को देखते हुए लोक आस्था के पर्व छठ को लेकर एक गीत गाए थे जो काफी वायरल हुआ। वायरल होने के बाद इनकी प्रसिद्धि भी बढ़ी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज जब इनसे हमारी बात होगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनका वर्क क्या होता है और इन वर्क को करने के बावजूद भी बड़ी प्रसिद्धि गाने के तौर पर लेना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आइए हम इनसे जानेंगे इनका नाम, इनका काम और जो गाना इन्होंने एक साल पूर्व गाया था उस गाने को लेकर के क्या नए समय में आज फिर कोई गाना इन्होंने गाने का काम किया है और इसको लेकर के ये क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह। अविनाश कुमार सिंह, ये कौन सा गाँव है सर? ये तो महसोना गाँव। महसोना गांव, लखीसराय के बीचों बीच ये जो महसोना गांव बसा हुआ है, ऐसे में आप इस जगह पर रह करके गाने का जो गाथे है, लय है, उसको करना, फिर गाने को लिखना और उसके साथ साथ आगे बढ़ना कहाँ से सीखा आपने? इसके लिए सर हम प्राकृतिक एक बनावट में हमें जगह, हमें एक सरस्वती का अतिजन जगह जिसके चलते हमें लिखना शुरू किया और जो लिखते हैं वो जनता की देखते हैं और देख करके हम प्रशंसा हमको खुद करते हैं। आप कौन कौन सा काम करते हैं? हम तो सर खेती भी करते हैं, घर का भी काम करते हैं, गाय भी खिलाते हैं, ये सब काम करते हैं। बेसिकली कौन सा काम है जिससे आपका जीविकोपार्जन चलता है? मेरा मुख्य रूप से खेती है, खेती से अच्छा खेती है, खेती से उपार्जन करते हैं, पूरे परिवार फैमिली को चला रहे हैं। साल भर पहले आपने छठ पर्व को लेकर के एक गाना गाया था जो काफी वायरल हुआ, काफी लोग उसे पसंद भी किए कि भाई चलिए समाज को देखते हुए सामाजिक स्तर पर उस गाने को आपने निकालने का काम किया। गाना कौन सा था अगर थोड़ा सा बता देते, चार लाइन अगर उसकी तो बहुत। अगला साल जो हम गाना छठ पर लिखे, जो अभी छठ में हमारे हिंदू समाज के लिए आस्था का पर्व है, इसे कुछ अश्लील गाने से नवाजा जा रहा है, हमने इसको हटाने के लिए ये जो छठ पर्व है, हम लोग का एक धरोहर पर्व के रूप में माना जाता है, इसलिए हमने इस छठ पर्व को जो इनका आस्था का है उसी आधार पर हम लोग गीत बनाने का फैसला लिए हैं। अगला साल जो हम गीत बनाए हैं रघुवर घाटे चलन गीत का, उसका कम से कम बढ़िया से 5 लाइन अगर गाते सुन ले आवाज में बता दें थोड़ा सा। राजा दशरथ के भवन बाजला बाजन हो, बाजला बाजन हो, राजा दशरथ के भवन बाजला बाजन हो, बाजला बाजन हो, छठी मई के आइल शुभ दिनमा बाजला बाजन हो, बाजला बाजन हो, कौशल्या कई कई सुमित्रा कर चली छठी के बरत, कर चली छठी के बरत। राजा दशरथ के कर चली छठी के बरन, कर चली छठी के बरन। अच्छा, अब हमको ये बताइए आप कि इस गाने में कहीं ना कहीं रघुवर के वंशजों का नाम आया है जो आज कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी आस्था बनी हुई है, तो क्या इस वर्ष भी आपने
छठ को लेकर कि कहीं कोई नया गीत बना है? इस बार हम जो YouTube पर देखे कि सीता माँ की भी छठ की है, अच्छा अच्छा, तो उनके आधार पर हमने एक छठ दी। जब लंका से लौटने के बाद राम जी ऋषि मुनि से मिले पंचवटी कुटिया में, तो वो बोले कि सीता, ये जो ब्राह्मण को मारना जघन अपराध है, इसलिए तुमको सीता छठ व्रत करना है। तो वन में ही छठ व्रत करना शुरू किए, उस पर भी हम एक गीत लिखे हैं। जरा सा उसका भी अगर चार लाइन अगर बढ़िया से अगर गा के बता दे। लहर लहरे हो झंडा, अब लहरत आए, अब लहरत आए, कौने पुरुष के हो झंडा, झंडा फहरत आए, झंडा फहरत आए, सिया रघुबर हो लखन जी, बिरजोधा झंडा फहराए, बिरजोधा झंडा फहराए, बनमा में होई छठ के बरतिया, बन में कोयल बोले, बन ही में कोयल बोले, कुटिया में होई, कुटिया में होई ल, कुटिया में होई खरना लोहंडा, बनमा में दीपक जले, बन ही में दीपक जले। बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लोक आस्था के पर्व को लेकर कहीं न कहीं समाज में अच्छा संदेश पहुंचाने को लेकर जो समाज के बीचों बीच होना चाहिए उस तरीके का गाना आपने गाया। क्या लगता है कि इसमें समाज कहीं ना कहीं इसको लेकर परिवर्तित होगी, या फिर समाज आज जो कहीं ना कहीं ये कुछ अलग थलग गाने को लेकर के आगे बढ़ रही है? मैं तो असली गाने तो समाज नकार ही रहे हैं, असली गाने एक से दो बार सुनते हैं, फैमिली वर्क नहीं सुनते हैं, तो इसलिए तो कहीं ना कहीं तो नकार रहे हैं। हम आस्था रखते हैं कि ये जो इस ढंग का जो गीत चलेंगे, जो परंपरा गीत चलते आ रहा है, वो सदा चलते रहेगा और असली गीत तो हटेगा ही, इस पर तो हमें पूर्ण विश्वास है। समाज को क्या करना पसंद करते? समाज तो असली को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, असली जो शब्द जुटा हुआ रहता है उस पर प्रायोरिटी करके बनाते हैं, उसको तो लोग मानने के लिए बात है, सुनते हैं, लेकिन देखते हैं तो बढ़ नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने जो गाना इस साल भी बनाया है और पिछले साल भी जो बनाया, उनकी कुछ पंक्तियां गाकर इन्होंने हमें बताया और इन्होंने कहा कि समाज में कहीं न कहीं यह गाना जो होता है लोग बार बार सुन सकते हैं, कई बार भी सुने उन्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा अपने परिवार के बीच में इसे सुनने में, लेकिन जो अश्लील गाने होते हैं जिन्हें लोग सुनते हैं एक से दो बार सुनते हैं और उन्हें लगता है कि भाई हमने क्या सुन लिया, जो हमारे घर परिवार के लोग भी हमारे पास फटकने से परहेज करते। सच्चाई यही है कि जब वो गाना असली टाइप का गाना बजता है तो अगला जो उनको इज्जत सम्मान करने वाले लोग होते हैं वो उन्हें देखते ही थोड़ा सा किनारे होकर के निकल जाते हैं कि भाई ये इस टाइप का गाना सुन रहा है, क्या मतलब कि हम भी उनके पास जाए और करें। तो मैं ऐसे में कहूंगा कि समाज को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का इन्होंने काम किया है और नई दिशा को देने के बाद कहीं ना कहीं समाज के बीच अपनी बातों को रखने का काम गीतों के माध्यम से भी किया है। मैं सुजीत कुमार, लखीसराय जिला से।